गाइस देखो, अगर आपको अपना रियल सब्सक्राइबर बढ़ाना है ना, तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देख लिया होगा। ठीक है, मतलब तरह तरह के वीडियोस देख लिया होगा जहाँ पे बताता होगा कि डाउनलोड डन तो करो या तो सब फोर करो। और बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि कोई एप्लीकेशन का यूज़ करो, लेकिन गाइस वहाँ से आपका एक भी जो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, कुछ भी तरीका वर्क नहीं करता है। अगर आपका सब्सक्राइबर बढ़ता है तो वो भी घट जाता है, या तो जो भी बढ़ता है वो सिर्फ बोट वाला सब्सक्राइबर मिलता है, मतलब मशीन द्वारा सब्सक्राइबर मिलता है जो कि आपके वीडियो को कभी नहीं देखता है। ठीक है, बट दोस्तों अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो यहाँ पे 100% गारंटी है कि आपका सारा रियल सब्सक्राइबर बढ़ने वाला है। बट गाइस, मैं उससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको झूठा दिलासा ये नहीं दिलाऊंगा कि आप एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर कर लोगे या तो 2 दिन में 1000 सब्सक्राइबर कर लोगे। बट दोस्तों यहाँ पे आपका सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जो भी बढ़ेगा सारा रियल होगा, जेन्युइन होगा, मतलब व्यूवर्स ही आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और सिर्फ सब्सक्राइबर ही नहीं, व्यूज वॉच टाइम, मतलब जो होता है व्यूज वॉच टाइम सब्सक्राइबर, तीनों आपका एक साथ बढ़ेगा और साथ में आपका चैनल यहाँ पे ग्रो भी हो जाएगा। क्योंकि गाइस मैंने इस ट्रिक को अपने कुछ वीडियो में यूज़ किया हूँ। ठीक है, मैंने सारे वीडियो में इस तरीके को यूज़ नहीं किया हूँ, आप जाके मेरे वीडियो चेक कर सकते हो। लेकिन जो जो वीडियो में इस तरीके को यूज़ किया हूँ, उसमें बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है, अच्छे खासे मुझे सब्सक्राइबर मिले हैं, व्यूज़ मिले हैं, वॉच टाइम मिले हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, बस आपको एक ट्रिक को यूज़ करना है, जिसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपका जो चैनल होता है बहुत जल्दी बूस्ट हो जाता है, आपका वीडियो अच्छा खासा रैंक करने लगता है, और उससे आपको बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी मिलेगा, व्यूज़ भी मिलेगा और वॉच टाइम भी मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे बात करते हैं रियल सब्सक्राइबर की। ठीक है, तो दोस्तों देखो, रियल सब्सक्राइबर और फेक सब्सक्राइबर में फ़र्क क्या होता है। मतलब यहाँ पे फेक सब्सक्राइबर की अगर बात करें, तो आपके वीडियो पे व्यूज़ आए या ना आए, बट सब्सक्राइबर आ जाएगा, क्योंकि उसको आपका वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं होता है फेक सब्सक्राइबर का। मतलब आपके वीडियो पे 2 व्यूज़ है, फिर भी उसमें सब्सक्राइबर आ जाएगा, जितना चाहो 10-20 सब्सक्राइबर ले सकते हो, जो कि फेक सब्सक्राइबर हो गया। बट दोस्तों अगर आपको रियल सब्सक्राइबर चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने वीडियो पे व्यूज़ लाना पड़ेगा। मतलब देखो, रियल सब्सक्राइबर वही होता है जो कि आपके वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा वीडियो को देखेगा तो ही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे वीडियो को दिखाना उसको, मतलब उसके सामने हमारे वीडियो को लेके जाना है, वो हमारे वीडियो को देखेगा, उसके बाद डिसाइड होता है कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा या नहीं करेगा। दरअसल जो जो सब्सक्राइब करेगा वो रियल सब्सक्राइबर होता है। ठीक है, नहीं तो अगर आपका मान लीजिए वीडियो पे 100 व्यूज़ आया और 100 में से 100 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, तो वो बोट वाला हो गया। और वहीं पे अगर आपका रियल जो होता है, मान लीजिए अगर आपका वीडियो 1000 लोगों ने देखा, 1000 में से मान लीजिए 10 ही लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब किए, तो वो रियल होगा, परमानेंट के लिए सब्सक्राइब किया होगा, जो कि आपके वीडियो को कंटिन्यू देखेगा। ठीक है, तो ये हो गया रियल सब्सक्राइबर, जो आप बहुत आसानी से बढ़ा सकते हो। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे जो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके उसको ग्रे कर दें। मतलब सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल प्रिय है यार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलिए बिना देर के बढ़ते अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और वहां पे आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए और आप इस ट्रिक को बहुत आसानी से यूज करके अपने चैनल पे सब्सक्राइबर, व्यूज, वॉच टाइम सब कुछ कैसे गेन कर लोगे। तो गाइस बिना देर के बढ़ते अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सो गाइस यहाँ पे आ चुके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ कि ये रियल तरीका होने वाला है, यहाँ पे कोई फेक सब्सक्राइबर वाला बट तरीका नहीं बताने वाला हूँ, जो कि 1 घंटे में आपका 1K या तो 2K हो जाएगा। ये तरीका जो है, ये रियल सब्सक्राइबर आपको मिलेगा, जो कि धीरे धीरे काम करता है। अगर आपको फेक सब्सक्राइबर चाहिए तो 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो फेक होता है, लेकिन जो रियल सब्सक्राइबर होता है वो धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने सब्सक्राइबर को गेन किया हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अपने कंटेंट पे चले जाते हैं। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो जो वीडियो अच्छा खासा रैंक कर रहा है। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वीडियो रैंक करता है और कैसे सब्सक्राइबर इंक्रीज होता है। गाइस चलिए यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पे मैं आपको कोई भी वीडियो दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मेरा वीडियो है। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चल जाते हैं इसके एनालिटिक्स पे, यहाँ पे गो टू वीडियो एनालिटिक्स, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं सब्सक्राइबर में। यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो से मुझे 35 सब्सक्राइबर मिले हैं, जो कि सारा रियल है, एक्टिव है, मतलब हमारे वीडियोस को देख के चैनल को सब्सक्राइब किया है, मतलब ये हमारे वीडियो को रेगुलर देखेगा। सबसे पहला चीज़ ये हो गया। यहाँ पे वॉच टाइम की बात करें तो यहाँ पे 165 घंटा मुझे वॉच टाइम मिला है इस वीडियो से, और यहाँ पे 9.5 मतलब 10,000 के तकरीबन इसमें व्यूज़ आया है। यहाँ से बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद यहाँ से चलिए यहाँ आ जाते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, चलिए मैं ये वाले वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले वीडियो में भी अच्छा खासा व्यूज़ आ ही रहा है, मतलब तो यहाँ पे इसके भी एनालिटिक्स में चले जाते हैं और यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 127 घंटा का वॉच टाइम मिला है, 20 सब्सक्राइबर मिले हैं। मतलब इस तरीके से मुझे सारे वीडियो में थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर मिले हैं, जिसकी वजह से 1K सब्सक्राइबर बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। दोस्तों चलिए अब आपको बताता हूँ कि कौन सा ट्रिक को यूज़ करना है।
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आप वीडियो को थोड़ा सा देख के अगर स्किप करते हो तो बिल्कुल भी आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा, यहाँ पे पहले बता देता हूँ। और यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि जो जो वीडियो में ये सब ट्रिक को यूज़ किया हूँ वही सब वीडियो मेरा अच्छा खासा रैंक किया है। तो गाइस चलिए यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसका कमाल है, यहाँ पे देख सकते हैं माई व्यूअर आल्सो वॉच दिस चैनल। अगर ये इसको अपने डिस्क्रिप्शन में आप ऐड करते हो तो 100% वो जो वीडियो होगा रैंक करेगा। हालांकि सभी वीडियो रैंक नहीं करता लेकिन बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा पहले के कंपैरिजन में। तो गाइस यहाँ पे जो जो नाम दिख रहा है अगर ये सब नाम को अपने चैनल पे आप यूज़ करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दरअसल मैं जो नाम बताने वाला हूँ अगर आप उसको यूज़ करते हो अपने चैनल पे तो ही बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरे चैनल पे अलग अलग यहाँ पे चैनल का नाम आ रहा है और आपके चैनल पे अलग अलग नाम आएगा। आपको कैसे नाम को यूज़ करना है वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है, वीडियो को पूरा देख लेना। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है माय व्यूअर आल्सो वॉच दिस चैनल, उसके बाद 1, 2, 3, 4 मतलब 11 यहाँ पे चैनल का नाम मैं दे दिया हूँ, इससे मेरा वीडियो ये रैंक करवा रहा है मतलब ये सब चैनल से, ठीक है। यहाँ से बैक आते हैं, बैक आने के बाद चलिए यहाँ पे कोई और वीडियोस आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, चलिए ये वाले वीडियो के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं आ जाता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लो, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे भी मैंने चैनल का नाम ऐड किया हूँ, लेकिन आपको ये सब चैनल का नाम ऐड नहीं करना है, आपको कोई अलग चैनल का नाम ऐड करना है, क्योंकि अलग अलग चैनल में अलग अलग नाम वहाँ पे मैच होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक है। यहाँ से हम चलिए बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपको अपने यहाँ पे जो YT स्टूडियो का एनालिटिक्स दिख रहा है आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अपना एनालिटिक्स में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बहुत सारा रीच इंगेजमेंट ऑडियंस वगैरह का, तो आपको यहाँ पे ऑडियंस का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। ऑडियंस पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे वदर चैनल योर ऑडियंस वॉचेस का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा चैनल आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, जो चीज़ बताने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना है, तब जाके आप अच्छे तरीके से इस ट्रिक को यूज़ कर पाओगे, तो ही आपका मतलब वीडियो अच्छा खासा रैंक करेगा। गाइस यहाँ पे देख लो जो जो यहाँ पे चैनल का नाम दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ से सबको स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो कहीं नोट में लिख लेना है। लिखने के बाद वहाँ पे मैंने बता दिया हूँ जिस प्रकार से, उसी तरीके से आपको लिख के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार से लिख के आपको यही सब चैनल का नाम ऐड कर देना है। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि ये सब चैनल का ऑडियंस कोई ये सब चैनल का वीडियोस देखता है तो उसके रिकमेंडेशन में या तो सजेशन में कहीं ना कहीं से हमारा वीडियो वो शो करेगा, जिसके कारण हमारा वीडियो का रीच बढ़ेगा और हमारे वीडियो पे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, जिससे हमारे जितने भी सब्सक्राइबर मिलेंगे सारे रियल मिलेंगे, एक्टिव मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये सब ट्रिक को यूज़ किया हूं और जो जो वीडियो में ट्रिक यूज़ किया हूं वो सब वीडियो वायरल हुआ है, मतलब अच्छा खासा रैंक किया है। देखो अगर मैं मान लीजिए 50 वीडियो में ट्रिक को यूज़ किया हो तो 50 में से कम 40 वीडियो मेरा रैंक किया है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप जरूर यूज़ करना, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गाइस इस तरीके से आपके YT स्टूडियो में जिसके जिसके चैनल का नाम शो हो रहा है अगर आप उस सब चैनल को मतलब नाम को अगर आपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हो सबसे पहले तो वो गाइडलाइन के खिलाफ नहीं है, ठीक है, मतलब वहाँ आप बता रहे ऑडियंस की कि आपका जो व्यूवर्स है ये सब चैनल को देखता है, तो ये गाइडलाइन के खिलाफ नहीं है, जो कि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात तो आपका जो है तो वीडियो रैंक करेगा, आपका मतलब डिस्क्रिप्शन रैंक करेगा तो आपका वीडियो भी रैंक करेगा, मतलब आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप मेरे वीडियो पे जाकर चेक करना, ठीक है, मैंने जिस जिस वीडियो में सब ट्रिक को यूज़ किया है वो सब वीडियो में मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। और आप सभी को पता हो कि हमारे वीडियो पे व्यूज़ आता है तो ही सब्सक्राइबर आएगा, और व्यूज़ से सब्सक्राइबर आएगा वो बिल्कुल रियल होगा, बिल्कुल जेन्युइन होगा, ठीक है।